bismillah irrahman assalamu alaikum dear students how are you all i hope you all will be fine and safe at homes this is your computer class and i'm your computer teacher and this is oxford computer wise book for class 4 and all of you open your computer books and take out chapter number 1 चैप्टर नंबर वन रिव्यूइंग कंप्यूटर्स डेयर स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर वन की रीडिंग हमने की थी पेज नंबर टू की आज हम रीडिंग करेंगे अपने पेज नंबर थ्री की सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पेज नंबर थ्री देयर आर थ्री काइंडस ऑफ कम्प्यूटर्स मेन फ्रेम्स मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कम्प्यूटर्स हमारे पास कंप्यूटर की कितनी किस्में होती हैं तीन किस्में होती हैं थ्री काइंड ऑफ कंप्यूटर होती हैं नंबर वन जो है वो मेन है हैं नंबर टू मिनी कंप्यूटर और नंबर थर्ड जो है काइंड ऑफ कंप्यूटर की है वो है माइक्रो कंप्यूटर आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्यूटर की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे वन बाय वन तीनों को रीड करेंगे ताकि हमें इनकी करैक्टरिस्टिक्स का पता चले कि इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं अब हम कंप्यूटर की पहली किस्म को पढ़ते हैं जो है मेन फ्रेम्स मेन फ्रेम्स आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर्स होते हैं विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ और जो हम डेटा इनमें इंटर करते हैं वो इनको स्टोर करने की सलाहियत इनकी बहुत ज़्यादा होती है बट दे आर बल्कि एंड एक्सपेंसिव और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ दैम एट सेम टाइम और जो है तो बहुत सारे लोग इस कंप्यूटर को सेम एक ही टाइम में यूज़ करते हैं बैंक एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज मेन फ्रेम्स हमारे पास जो बैंक हैं और बहुत जो बड़े बड़े जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस जो इदारे हैं वो भी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो हमारे पास दूसरी किस्म है सेकेंड काइंड ऑफ कंप्यूटर जो हमारे पास है वो है मिनी कंप्यूटर अ मिनी कंप्यूटर इज़ स्मॉलर एंड लेस पावरफुल दैन अ मेन फ्रेम हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है वो जो है स्मॉलर होता है छोटा होता है एंड लेस पावरफुल और कम ताकतवर होता है देन अ मेन फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर की नस्बत हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं साइज़ में और हमारे पास जो होते हैं वो कम ताकतवर होते हैं मेन फ्रेम की नस्बत इट सर्व्स फ्यूअर यूज़र एट अ टाइम और ये जो है तो इसको कुछ लोग जो है एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं जबकि जो हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं उसको बहुत सारे लोग जो है तो सेम टाइम एक ही टाइम इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स आर यूज इन मीडियम साइज्ड कंपनीज़ अब मिनी कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास वो कहाँ पे यूज़ होते हैं मिनी साइज जो कंपनीज मीडियम साइज जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी कंपनीज में इन मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अब हमारे पास थर्ड काइंड आ जाती है कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर्स अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर्स हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एंड चीपेस्ट और बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये मेन फ्रेम्स और मिनी कंप्यूटर्स की नस्बत ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं दे आर द कम्प्यूटर्स दैट वी सी इन होम्स एंड ऑफिसज़ ये वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हम अपने घरों में और अपने ऑफिसिस में यूज करते हैं अ पर्सनल कंप्यूटर पी सी इज़ आ माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है पी सी जो है उसको हम क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर पी सी इज़ स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर अब डेढ़ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखें नीचे पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये देखें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं फिर जो है ये मिनी कंप्यूटर्स हैं और ये जो है माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं ये इन दोनों की नस्बत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं और चीपेस्ट भी होते हैं जो कि हम अपने घरों में और अपने ऑफिसिस में यूज़ करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे वि हमें आगे क्या कहता है इंश्योर दैट कंप्यूटर्स आर क्लिन रेगुलरली एंड आर फ्री ऑफ डस्ट अब यहाँ पे विज कहता है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने कंप्यूटर्स को रेगुलरली आप इसको अपनी कंप्यूटर को डेली आपने अपने कंप्यूटर को क्लीन करना है और जो है तो डस्ट से आपने अपने, अपने कंप्यूटर को बचा के रखना है ताकि आपके कंप्यूटर बिल्कुल क्लीन रहे आगे विज क्या कहता है लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर माइक्रो कंप्यूटर्स बट आर मोर एक्सपेंसिव दैन पर्सनल कंप्यूटर्स अब यहाँ पे विज कहता है कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं लाइटर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं बट आर मोर एक्सपेंसिव देन अ पर्सनल कंप्यूटर और जो है ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कम आउ टू द नेक्स्ट पेज सुपर कंप्यूटर्स अब सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुपर कंप्यूटर्स आर स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स विद द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट भी कहते हैं स्टेट आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट किसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट उसे कहा जाता है कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट एडवांस फ्यूचर के साथ आता है आती है जिसके फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट तो सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ईच विथ इट्स ऑन सी पी यू अब हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये जो है तो बहुत सारे कंप्यूटर से आ, के साथ मिलके बना होता है और और हर एक कंप्यूटर को जो है इसमें हर एक का अपना सीपीयू होता है सुपर कंप्यूटर वर्क ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम सुपर कंप्यूटर जो होता है वो किसी प्रॉब्लम पे एक ही टाइम में सिंगल प्रॉब्लम जो होती है एक एक प्रॉब्लम एक पे एक ही टाइम में काम करता है अनलाइक जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं च कैन सपोर्ट मैनी प्रॉब्लम्स एंड यूज़र्स एट अ टाइम और जो मेन फ्रेम्स कम्प्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं वो जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे यूज़र्स जो है उसको एक ही टाइम पर यूज़ करते हैं यहाँ पर देखते हैं मिजा में क्या कहता है मैन प्रोडक्ट हैज़ द न्यूएसट एंड मोस्ट एडवांस फीचर्स इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स जो होती है जो न्यू होती है और उसके फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं अब यहाँ पे है सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे कंप्यूटर हैं दुनिया में जो महंगे कंप्यूटर हैं वो हैं सुपर कंप्यूटर्स दे आर यूज फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स फॉरकास्टिंग द वैदर एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च अब जो है ये क्या करते हैं ये यूज़ होते हैं सॉल्विंग सॉल्विंग द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो साइंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साइंस के बारे में और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं ये सुपर uh, कंप्यूटर्स जो कम्प्यूटर्स ये उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं और जो है तो फॉरकास्टिंग द वेदर और मौसम uh, की पैशन गोई के लिए भी यूज़ होते हैं एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में जो भी होते जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये उनको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ यूज़ कम्प्यूट सुपर कम्प्यूटर्स अब हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में भी और मिलिट्री एजेंसीज़ भी एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉटरीज में भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ होते हैं अब देखिए यहाँ पे डेढ़ स्टूडेंट्स आपको ये सुपर कंप्यूटर्स की पिक्चर नज़र आ रही है ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ वग़ैरह में और जो है हमारे पास न्यूक्लियर एजेंसीज़ वगैरह रिसर्च न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो रिसर्च वग़ैरह में ये कंप्यूटर्स जो हैं ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये उसमें यूज़ होते हैं और ये जो है तो दुनिया के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में हैं आपको ये पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर की पिक्चर है आप देखते हैं नीचे जो है तो विज क्या कहता है द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन वर्ल्ड इज़ द चाइनीज टाइ टाईह टू हमारे पास जो है कम आ, दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो चाइनीज़ का टाइह टू कंप्यूटर है ये हमारे पास दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है सो डेयर स्टूडेंट्स आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज